आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जो है आपका आंसर जो आपका की है वह जारी हो चुका है और सभी लोगों ने देख भी लिया होगा, ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन सर्वर इशू होने की वजह से जो है अभी क्या है प्रॉपर वे से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोगों के द्वारा जो है एक प्रॉब्लम जो है बार बार क्रिएट होकर पूछा जा रहा है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये वाला ऐसा पेज आपका जो है खुलकर चला आएगा, और यहाँ पर आपको जो है लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो है एप्लीकेशन नंबर जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपको मिला होगा, तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह करके जो है 6 या 8 अक्षर का होगा एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। साथ ही साथ जो है हम पासवर्ड की बात कर ले तो पासवर्ड आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूं, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि मान ले कि 5 हमारा 10 है और यहाँ पर 2003 है, तो हम यह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। और जो हमारा कैप्चा है इसमें हम लिखेंगे कैप्चा यहाँ पर RLFB और यहाँ पर W, ये लिखने के बाद हम जो है लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारा पेज ऑटोमेटिक खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन को देख सकते हैं, आंसर को देख सकते हैं। तो यह जो है तरीका है आपको करने का, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिला हुआ है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक आपका सवाल आ रहा है कि जो हमारा पासवर्ड है, वो हम भूल गए हैं, तो पासवर्ड आप भूले क्या हैं? मैं आपको बता दूं कि आपका पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ है, और डेट ऑफ बर्थ कोई भूलने की चीज़ है? डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, तो आपका जैसे कि ऐसे लिखना है 5, 10 और यहाँ पर आपको जो है 2003, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं याद है तो आपको मैं बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड पर या जब आपने फॉर्म भरा था, उस समय आपको मिला होगा। इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है अपना ईमेल को एक बार चेक कर लीजिएगा, ईमेल को या फ़ोन मैसेज में, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर नज़र आते हुए दिखाई देगा। ये इतना सारा तरीका है आपको एप्लीकेशन नंबर ढूंढने के लिए, और डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे लिखना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ऐसे भी इस तरह से हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा है लेकिन फिर भी जो है हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो क्या करें कि डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दीजिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ लिखने से नहीं लॉगिन हो रहा है तो क्या कीजिए कि डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ चेंज कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, 10 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 2003 लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय जो डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहे थे, ठीक इसी प्रकार अभी जो है आपका आंसर की देखने के समय यह इशू आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए जो है बिहार बोर्ड लगी हुई है, बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खोलने का ज़्यादा ही जो है बेचैनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचैन है पूरा खोलने के लिए, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं आज से लेकर, यानी आपका जो है 12 जुलाई से लेकर आपको जो है 12 जुलाई से लेकर आपका जो है 16 जुलाई तक आपका आंसर की जो है रहेगा, तो इन तारीखों के बीच में जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी साइट में इशू है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगी। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो कहाँ से लीजिएगा, एडमिट कार्ड से, फॉर्म से, ईमेल से या फ़ोन मैसेज में आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है तो आप यहाँ जो है डेट ऑफ बर्थ उल्टा करके लिख लीजिए, 5/10/2003 लिखिए या 10/5/2003 लिखिए, यह आपका तरीका है। अगर आपको भी लगता है कि मेरा नहीं है पासवर्ड, नहीं है यह ले रहा है तो मेरा पासवर्ड क्या था, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको रिसेट ऑप्शन दिख रहा होगा, रिसेट जैसे पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ईमेल डालिएगा, यहाँ पर आपको ईमेल और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और सेंड OTP कीजिएगा, तो आपके ईमेल पर जो है एक मैसेज आएगा और यहाँ से आपका जो है जो पासवर्ड है वो पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपका पासवर्ड यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर आपका पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, जो कि आपको 5/10/2003 लिखकर डाउनलोड करना है अगर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, नहीं तो आप 10/05 और यहाँ पर 2003 लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा